हेलो एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति। कुक विद तृप्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट तड़के वाली चने की दाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस दाल को बनाना और चलते हैं अपने किचन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से ले लेंगे पैन और इस पैन में मैं डालूंगी शुद्ध देशी घी, क्योंकि तड़का लगाना है तो देशी घी तो चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी दाल में तड़का लगाए चाहे ना लगाए, शुद्ध देशी घी ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, ये दाल आज आपको याद दिला देगी ढाबे की, या फिर आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी तो याद दिला देगी आपको रेस्टोरेंट की। तो लॉकडाउन में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही इन सब का आनंद लें। अभी हमने डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, और अब हम इसमें डालेंगे घिसा हुआ अदरक। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन अदरक के पेस्ट में वो दम नहीं आता जो अदरक और लहसुन आप इस तरीके से डालते हो। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हमारी जो चने की दाल होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, डाइजेस्ट करने में दिक्कत देती है। तो हींग डाल दीजिएगा, उससे सारा बादीपन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज की प्यूरी। फ्रेंड्स, जो लोग चने की दाल खाना पसंद नहीं करते तो एक बार आप उन्हें इस तरीके से बना करके ज़रूर खिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने डाल दिया प्याज की प्यूरी, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। तो ये दोनों चीज़ें आपको डालनी हैं और ये झटपट बन जाती है चने की दाल, अगर आपने पहले से सोक करके और है ना इसको पका करके रखा है। तो चने की दाल को मैंने रात भर भिगो दिया था, और उसके बाद क्योंकि मुझे सुबह बनाना था तो रात भर भिगो दिया था, जिससे कि अच्छे से भीग जाएगी तो जल्दी गलेगी। और उसके बाद मैंने 3 से 4 सीटी लगा दी थी और वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो ये देखिए, ये मसाला जो है हमारा रेडी हो गया एक तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे लौकी। तो ये उबली हुई लौकी है फ्रेंड्स, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अगर आपके पास आधे से ज़्यादा सामान तैयार हुआ होता है ना पहले से, तो कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है ना। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ अपने मसाले जो हर गृहिणी के किचन में उपलब्ध होते हैं। तो भाई, जैसे ये डाला मैंने हल्दी पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक जाएगा हमारा स्वाद के अनुसार, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, कम ही नमक खाया करें, क्योंकि ज़्यादा नमक भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो भाई ये देखो, ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर गृहिणी के किचन में आते हैं, पाए जाते हैं, है ना। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिला दिए, और इस तरीके से मिक्स कर देना है। और आप इसकी रंगत देखो भाई, कितनी बढ़िया लग रही है। इसी बहाने लौकी भी लोगों के पेट में चली जाती, क्योंकि बहुत से लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, बीमारी हारी होती है तभी लोग लौकी खाते हैं, नहीं तो कोई लौकी खाना नहीं पसंद करता। अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये डल गई हमारी चने की दाल, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, क्योंकि मैं गाढ़ी दाल खाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आप जिस तरीके से दाल खाना पसंद करते हैं, आप पानी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने डाला 1/2 कप पानी, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, कलर देखिए आप फ्रेंड्स, कितना बढ़िया आया है दाल का, लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी। तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि इसमें धनिया पत्ते से गार्निश करूँगी मैं, है ना। तो चलिए, अब हम इसमें जब तक उबाल आता है हम धनिया पत्ते काट के इसके ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया है ऊपर से धनिया पत्ते, और अब हम है ना करते हैं गैस को बंद। और इससे आप ना रोटी सब्जी और जो है आप ऐसे भी पी सकते हो, ये दाल इतनी टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी बनाई दाल पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक कमेंट और शेयर, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।